जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए जन्म कुंडली में बनने वाले विशेष योग को लेकर हाजिर हुआ हूं। लॉटरी और सट्टे से या शेयर मार्केट से धन प्राप्ति के योग को लेकर आज मैं ये विशेष वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो पार्ट 18 डायरेक्ट देखने लगे हैं तो हम आपसे कहेंगे कि इससे पहले आप हमारी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 17 की वीडियोस जरूर देखें। ये सभी वीडियोस आप YouTube सर्च में विनय मेहरा कुंडली कैसे देखें लिखकर हमारी प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। तो दोस्तों, लोग हमसे अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, क्या हमारी कुंडली में लॉटरी या सट्टे से धन प्राप्ति के योग हैं या नहीं। तो आप आज अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और देख लीजिए कि क्या आपकी कुंडली में लॉटरी लगने या सट्टे से धन प्राप्ति के योग है या नहीं। दोस्तों, जन्म कुंडली के पांचवें भाव से लॉटरी या सट्टा से धन प्राप्ति योग के बारे में हम विचार करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम पंचम भाव से इसका विचार क्यों करते हैं। दोस्तों, हम एक बात आपको बता दें कि लॉटरी या सट्टा से जो धन प्राप्त होता है उसमें जिसको यह धन प्राप्त होता है उसकी मेहनत नहीं लगती है, यानी उसका कोई पुरुषार्थ इस तरह की धन प्राप्ति में नहीं लगता, बल्कि यह धन उसको भाग्य से प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब बात भाग्य की चल रही है तो भाग्य के लिए तो हम कुंडली के नवम भाव से विचार करते हैं। फिर आप कहेंगे कि सट्टा या लॉटरी का विचार नवम भाव से क्यों नहीं, पंचम से क्यों? इस बात को समझने के लिए आपको भावक भावम के सिद्धांत को जानना होगा। ये जो कुंडली का नवम भाव है, जब इससे हम नौ घर आगे जाते हैं तो ये फिर पांचवा घर में हम पहुंच जाते हैं। तो यानी कि जब हमें भाग्य का विचार करना हो तो सिर्फ नौवें भाव को ना देखें, हमें भाग्य से भाग्य यानी नवम से नौ घर आगे जाने पर पंचम स्थान आता है। तो पंचम से धन एक तो नवम से नवम भाव है और यहां भाग्य का विचार चल रहा है, तो भाग्य के विचार के लिए पंचम को देखेंगे। लेकिन इसका धन से कैसे संबंध, इस बात को आप समझ लीजिए। दोस्तों, लॉटरी या सट्टे में जो पैसा होता है वो धन जनता का होता है, ये धन जनता से ही इकट्ठा किया हुआ होता है, और कुंडली में चौथे भाव से, ये चौथा भाव है, इससे जो है जनता का विचार करते हैं, और इसलिए जनता का धन जो है वो द्वितीय भाग है, इस चौथे से द्वितीय भाग है। तो यदि हम चतुर्भाव यानी कि जनता के भाव को लगन का भाव बना ले तो लगन से दूसरा घर धन भाव कहलाता है। तो इस प्रकार जो है जनता का धन पंचम स्थान ही हुआ, इसलिए लॉटरी या सट्टे के धन का विचार हम पंचम भाव से ही करते हैं। तो दोस्तों, इस तथ्य को जानने के बाद हम आपको बता दें कि जन्म कुंडली में या किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में जब आकस्मिक धन की बात चल रही हो या आकस्मिक किसी भी घटना की बात चल रही हो तो आप जानते हैं कि सर्वप्रथम आकस्मिक घटनाओं के लिए राहु और केतु का ही विचार किया जाता है। राहु और केतु वो ग्रह हैं जो आकस्मिकताओं के कारक ग्रह हैं। दूसरे, बुध को लॉटरी या सट्टे से धन प्राप्ति के लिए भी विचार करना जरूरी है, क्योंकि ये कुमार ग्रह है और शीघ्र प्रभाव देने वाला ग्रह है। फाइनेंस, धन इत्यादि का विचार बुध से भी किया जाता है, हालांकि धन के मालिक गुरु ही हैं, लेकिन फाइनेंस आदि का विचार बुध से भी किया जाता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में लॉटरी या सट्टे से धन प्राप्ति का योग है या नहीं, इसके लिए इन तथ्यों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो तथ्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी की स्थिति और पंचम स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है, बुध का आपको ध्यान में रखना है, और राहु और केतु का ध्यान बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ क्योंकि बात धन की चल रही है, इसलिए कुंडली का दूसरा भाव और ग्यारहवां भाव यानी कि लाभ भाव, इसका भी विचार करना आपको जरूरी है। तो अब मैं आपको मुख्य सूत्र बता रहा हूं जिससे हम ये विचार करेंगे कि लॉटरी अथवा सट्टे का विचार कैसे कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब कोई ग्रह लगन का मित्र हो यानी लगन और लग्नेश का मित्र हो और पंचम भावस्थ अथवा धनप्रद भावस्थ, धनप्रद भाव कौन कौन से हैं? धन भाव का धन भाव
या फिर लाभ भाव, इन्हीं भावों में अगर राहु केतु बैठे हों। दोबारा से इसको समझ लीजिए, यदि आकस्मिकताओं के कारक ग्रह राहु या केतु पंचम भाव या धनप्रद लाभ, धनप्रद भाव कौन से है, धन भाव और लाभ भाव में, इनमें अगर राहु और केतु हों और इन भावों का स्वामी लगन का मित्र हो, या फिर इन भावों के स्वामी लगन के मित्र होते हुए बलवान हो, तो जातक अपने जीवन काल में लॉटरी अवश्य प्राप्त करता है। और इन्हीं भावों के स्वामी यदि बुध देवताओं हों, तो जातक एक बड़ी राशि लॉटरी या सट्टे से प्राप्त करता है। दोस्तों एक बार और समझ लीजिए कि ये सूत्र आपने अपनी कुंडली में कैसे देखना है। पंचम भाव का स्वामी या धन भाव का स्वामी या लाभ भाव का स्वामी बलवान हो, लग्नेश का मित्र हो या फिर लगन का मित्र हो, और इन्हीं भावों में राहु अथवा केतु बैठे हों, तो ये प्रबल लॉटरी या सट्टे से धन प्राप्ति कराने वाला योग बन जाता है। इस योग के जातक अपने जीवन काल में निस्संदेह आकस्मिक लॉटरी या सट्टे से धन प्राप्त करते हैं, और उसमें भी इन तीनों भावों में से किसी एक भाव का स्वामी बुध हो। तीन भाव कौन से, पंचम का और इसका सेकंड हाउस का या फिर लाभ स्थान का, इनमें से अगर किसी एक का स्वामी बुध हो, तो जैसा कि हमने बताया है कि बुध भी तुरंत फल प्रदान करने वाला ग्रह है, क्योंकि ये कुमार ग्रह है और अपना प्रभाव तुरंत देते हैं, और आकस्मिकताओं के कारक का संबंध जब बुध से बन जाए, बुध बलवान हो और लग्नेश के मित्रों, तो फलस्वरूप बुध अपना प्रभाव तुरंत दे देते हैं और जातक अवश्य लॉटरी या सट्टे से धन प्राप्त करेगा। अथवा पंचम द्वितीय और एकादश, पंचम द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी लग्नेश के मित्र और बलवान हो, और इन भावों में आकस्मिकता के कारक राहु और केतु आकर के बैठ जाएं, तो जातक निस्संदेह लॉटरी या सट्टे से धन प्राप्त करेगा। दोस्तों इन सूत्रों को आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए। अगर ये योग आपकी कुंडली में नहीं है, तो भी जहां तक आकस्मिकता की बात करें, आकस्मिक धन जो है वो अष्टम भाव से भी विचार किया जाता है, लेकिन लॉटरी या सट्टे से धन प्राप्ति के योग के लिए कुंडली में पंचम भाव से ही विचार करना चाहिए। तो दोस्तों संक्षिप्त में हम बता दें कि यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव बली है, धन भाव बली है, लाभ भाव बली है, और इन्हीं भावों में राहु और केतु का किसी प्रकार संबंध बन जाए, तब भी जातक छोटी मोटी लॉटरी अपने जीवन काल में अवश्य प्राप्त कर लेता है, यानी कि लॉटरी से धन अवश्य प्राप्त कर लेता है। अगर दोस्तों अगर किसी प्रकार का भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो, कोई बात ना समझ पा रहे हो, तो कृपया आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी, तो हमारे आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।